एवरीवन, हाय, मैं हूँ प्रीना। वंस अगेन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ विद प्रीना में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ऑलराइट, आज का हॉल वीडियो होने वाला है ह्यूज हॉल और आज के हॉल में हम लोग 7 to 8 आउटफिट्स देखने वाले हैं। आज के हॉल में आपको आलिया कट भी देखने के लिए मिलेंगे आउटफिट्स, नायरा कट भी देखने के लिए मिलेंगे। इनफैक्ट आज के हॉल वीडियो में आप लोगों को बंदेज और लहरिया प्रिंट के आउटफिट्स भी दिखाऊंगी मैं। बट आज का हॉल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में मेरा एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और मुझे पता है कि इस स्टोरी से बहुत सारे लोग जो है रिलेट भी करेंगे, साथों साथ बहुत सारे लोगों को मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगी जो मैंने अपने लिए पर्सनली ढूंढा, वही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो बात करते हैं आज से 2 से 3 महीने पहले की। ऐसा है कि जब मैं सो के उठती थी तो मैं देखती थी कि पिलो पे भी मेरे बहुत सारे बाल टूट के पड़े हुए हैं, बेडशीट पे भी बहुत सारे बाल टूट के पड़े हुए हैं, घर में अगर मैं झाड़ू लगा रही हूं तो मैं लिटरली देखती थी कि इतने सारे बाल जो है मेरे ना झाड़ू में भी निकलते थे। तो आप खुद सोच के देखिए कि ये कितना डराने वाली चीज है कि मतलब बेड पे भी मैं अपने बाल देख रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ तो भी इतने सारे अपने बाल देख रही हूँ टूटे हुए, और जब भी मैं कॉम करती थी तब भी मेरे बहुत सारे बाल टूट जाते थे। दिन में 3 से 4 बार अगर मैं कॉम करूंगी बहुत सारे बाल हर बार टूटेंगे। तो लिटरली मुझे बहुत डर लगने लग गया था कि अगर इस तरीके से अगर मेरे बाल टूटेंगे तो यार एक दिन तो फिर गंजी ही हो जाऊंगी, सिंपल सी बात है। थोड़े टाइम बाद हेयर फॉल के साथ में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि मेरे बाल थिन भी होने लग गए, बहुत ही ज्यादा थिन हो गए। मतलब इस तरीके का लेवल आ गया था कि अगर मैं अपने किसी भी बाल को उठा के इस तरीके से खींच के तोड़ना चाहती थी ना तो उसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, बस मैं हल्का सा उसे खींचती थी और वो टक करके बीच में से टूट जाता था। साथों साथ मैंने ये भी देखा कि मेरा बहुत ज्यादा डैमेज हेयर हो गया। यहां से अगर आप देखेंगे ना तो यहां तक आपको मेरा आधा बाल है, आधे बाल के बाद फिर आगे बाल ही नहीं है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी मैं फेस करने लगी तो मुझे लगा कि यार इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से मेरे बाल थिन होते गए, बाल टूटते गए तो मुझे बहुत ही ज्यादा मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बहुत ज्यादा रिसर्च करना शुरू किया बट रिसर्च करते करते एक टाइम ऐसा भी आ गया कि लिटरली मेरे बाल इतने ज्यादा टूट गए कि कई कई जगह से, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि मेरा स्कैल्प तक भी दिखने लग गया, तो ये लेवल तक भी मेरा हेयर फॉल हो गया, ठीक है। लेकिन अब रिसर्च करते करते एक अच्छी किस्मत रही मेरी कि मुझे एक प्रोडक्ट नजर में आया, वो भी कैसे, बहुत ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी, बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रही थी, देन उसके बाद में मुझे पता पड़ा विश केयर हेयर ग्रोथ सीरम कॉन्सेंट्रेट के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा वायरल प्रोडक्ट है, लिटरली इसके वीडियोस आप यूट्यूब पे भी देखेंगे और इस प्रोडक्ट के वीडियोस आपको इंस्टाग्राम पे भी देखने के लिए मिलेंगे। मैंने देखा कि ये वाला जो सीरम है काफी सारे लोगों ने यूज किया है और इसे यूज करने के बाद में बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं, उनका हेयर फॉल कंट्रोल हुआ है और उनका हेयर जो थिनिंग का प्रॉब्लम था वो भी कम हुआ है, साथों साथ उनका ना बहुत अच्छा खासा हेयर ग्रोथ भी हुआ है, डैमेज हेयर भी रिपेयर हुए हैं। तो सबका काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ में। तो आई थॉट कि चलो मैं भी इससे ही ट्राई करती हूँ क्योंकि सेम प्रॉब्लम जो और लोगों ने फेस की थी वो मैं भी फेस कर रही हूँ और आप में से भी कई लोग फेस कर रहे होंगे। साथों साथ ये जो सिरम है इसे अप्लाई करने के बाद में आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी मैं आपको इसी हॉल वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो ये है विश केयर का हेयर ग्रोथ सिरम कॉन्सेंट्रेट और आपको इस तरीके से इसकी आउटर पैकेजिंग देखने के लिए मिलती है। विश केयर की जो ये सिरम की बॉटल है ना इसके ऊपर आपको पंप लगा के दिया गया है जिसकी वजह से ना सिरम को अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। आपको पंप करके भी दिखाती हूँ, आप देखिए वॉटर कंसिस्टेंसी में आपको इस तरीके से सिरम अंदर देखने के लिए मिलता है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी बिफोर पिक्चर्स जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ साइड में ऊपर की तरफ बिल्कुल भी मेरे बाल ही नहीं है, बिल्कुल खाली खाली जगह है और काफी अच्छा खासा आप देख सकते हैं मेरा हेयर लाइन जो है पीछे जा चुका है। बट अगर अब मैं आपको ये सेम जगह दिखाऊं तो आप देख सकते हैं जगह बिल्कुल खाली नहीं दिख रही है, ये हवा में जो आपको ये बाल जाता हुआ दिख रहा है ये भी कंप्लीटली न्यू ग्रोथ है और छोटे छोटे आप देखेंगे कि काफी सारे नए बाल हैं जो ग्रो हुए हैं मेरे। और इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए मुझे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 महीना ही हुआ है। चलिए अब आपको इसे अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको सेक्शन निकाल निकाल के अपने स्कैल्प पे जो है सिरम को अप्लाई करना है। इस तरीके से मैंने सेंटर में सेक्शन निकाला है, देन उसके बाद में सिर्फ 2 बार पंप को प्रेस किया है और थोड़ा सा
सीरम बाहर आया, फिर मैंने मसाज किया है, देन मैंने अगेन एक और सेक्शन निकाला है, उसमें मैंने दो बार पंप को प्रेस किया है, थोड़ा सा सीरम बाहर आया है। इसी तरीके से पूरे सर में आपको स्कैल्प पे सीरम को लगाना है। इस सीरम में आपको 3% रेड इंसल देखने के लिए मिलता है, 4% एनागेन देखने के लिए मिलता है, 2% बायकैपिल, कैफीन, बायोटीन, प्लांट कैरेटीन, राइस वाटर देखने के लिए मिलता है। यानी कि ये इस सीरम के मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस सीरम को इतना पावरफुल बनाते हैं कि ये जो सीरम है आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, आपकी हेयर थिनिंग को कंट्रोल करता है, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथों साथ आपके डैमेज हेयर को भी रिपेयर करता है। ये सीरम आपके हेयर फॉलिकल्स पे वर्क करता है, रूट्स पे वर्क करता है, स्कैल्प पे वर्क करता है, तब जाके आपको इस सीरम का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। सीरम बिल्कुल नॉन ग्रीसी है, नॉन ऑयली है, तो आपको चिपचिपा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। साथों साथ आपको अपने हेयर केयर रूटीन में शैम्पू और कंडीशनर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो शैम्पू कंडीशनर यूज़ करते हैं वही यूज़ कीजिए, बस इस सीरम को डेली रात को लगा के सो जाइए। प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, काम का है, 1-1.5 महीने में मुझे रिजल्ट देखने के लिए मिला, आपको भी मिलेगा। अगर आपको सीरम बाय करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहला आउटफिट आपको दिखाती हूँ और वो है ये आलिया कट, बहुत ही सुंदर सा येलो कलर का कुर्ता सेट, एंड डेफिनेटली बेस्ट बाय रहेगा राखी के लिए। अगर आप कुछ कंफर्टेबल देख रहे हैं तो ये है वो पीस जिसे आपको बाय करना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर सी, आप देख सकते हैं आपको नेकलाइन मिल जाती है। ये जो नेकलाइन में ब्लिंक आप देख रहे हैं, डेफिनेटली एम्ब्रॉयडर्ड वर्क के साथ में सीक्वेंस आपको करके दिया गया है। प्रिंट ओवरऑल आप सूट में देखेंगे तो इस तरीके का कलरफुल प्रिंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आपको विस्कोस रेयन फैब्रिक का आउटफिट है जो मिलता है। यहाँ पे आपको एम्ब्रॉयडर्ड वर्क के साथ में सीक्वेंस का काम देखने के लिए मिलता है। बहुत सुंदर डिजाइन है, बहुत सुंदर। और ये है प्रिंट ओवरऑल सूट में, आपको स्टार्ट टू एंड तक कुछ इस तरीके से फ्लोरल प्रिंट जो है देखने के लिए मिलेगा। फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। पहनने के बाद में कुर्ता सेट यार माइंड ब्लोइंग लग रहा है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। बैक साइड से भी आपको सेम प्रिंट देखने के लिए मिलता है स्टार्ट टू एंड तक, और लाइट शेड का है बट बिल्कुल भी कुर्ता जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है। साथ में आपको मिलता है इसका बॉटम, इसका बॉटम भी आपको मिलता है रेयन मटेरियल का। इस सेट को मैंने पिक किया है एल साइज में मेरे लिए। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बॉटम में आपको बॉर्डर का डिटेलिंग भी मिल जाता है। और ये है इसका बहुत सुंदर सा दुपट्टा जिसमें आप देखेंगे तो समोसा लेस का काम भी है और साथ में छोटे छोटे फ्लावर्स भी बने हुए। सो ये सूट मैंने पिक किया है अंडर 1000 रुपीज। अगर आपको पसंद आए तो आप राखी के लिए चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। चलिए इस हॉल का आपको सेकेंड आउटफिट दिखाती हूँ जो इस हॉल में मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट आउटफिट है, और ये भी अगर आप चाहें तो राखी के लिए ले सकते हैं। अगर आप एक्सट्रीम कंफर्टेबल आउटफिट देख रहे हैं जिसका फैब्रिक एक्सट्रीमली सॉफ्ट है तो ये वो है आउटफिट जिसे आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ये आपको कॉटन सिल्क फैब्रिक का मिलता है, बहुत ही मक्खन वाला इसका फैब्रिक है, बहुत ही ज्यादा सुपर सॉफ्ट, बहुत अच्छा फैब्रिक है। और ये सेट मैंने लिया है मीडियम साइज में अपने लिए और ये बहुत परफेक्ट आया है। बात करते हैं इसके प्रिंट के डिजाइन की तो आप ये देख सकते हैं इसमें लहरिया और बंदेज दोनों डिजाइन आपको देखने के लिए मिलते हैं। वी आपको इसकी नेकलाइन मिलती है। बहुत सुंदर कुर्ता सेट है यार, कि ये पहनने के बाद में गजब लग रहा था। और इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने ना ट्रस्ट में कुछ पहन भी रखा है। बहुत अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट इसका फैब्रिक है। बैक साइड से भी आप देखेंगे तो पूरा आपको बहुत ही प्यारा सा प्रिंट देखने के लिए मिलता है। इनफैक्ट रेड और व्हाइट का कलर कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। साथ में आपको इसका बॉटम और दुपट्टा मिल जाता है। बॉटम आपको कंट्रास्ट में मिलेगा, ब्लैक शेड में मिलने वाला है, ठीक है ना। और ये कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का आपको बॉटम मिलता है जेट ब्लैक शेड का। और ये है इसका दुपट्टा। सूट की क्वालिटी के साथ साथ इसका प्राइस आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलता है। इस सूट को मैंने अंडर 900 रुपीज खरीदा है यार। ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है और पहनने के बाद में बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है, इसलिए अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इसे पिक कर सकते हैं। लिंक मैंने दे दिया है इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, वो भी बहुत ही सुंदर सूट है, ये भी न्यूली लॉन्च है और इस पे भी आपको बंदेज का प्रिंट मिलता है। इसके भी रिव्यूज अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे हैं, लोगों को ये सूट भी बहुत पसंद आया तो मैंने इसे भी पिक कर लिया। ये वाला जो सूट है इसे मैंने अपने लिए एल साइज में लिया है। इसका भी फैब्रिक आपको बहुत ज्यादा सुपर सॉफ्ट मिलता है और आप कलर कॉम्बिनेशन देख के कितना सुंदर है, ब्लू व्हाइट और यहाँ पे लाइट ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। फैब्रिक सुपर सॉफ्ट है, कुछ सिंपल सोबर देख रहे हैं राखी के लिए तो आप डेफिनेटली इसे भी आपके लिए ट्राई कर सकते हैं। फ्रंट और बैक से आप देखिए कुछ इस तरीके से आपको बंदेज प्रिंट मिल जाएगा।
इसके साथ में भी आपको कंट्रास्ट में बॉटम मिलता है जो कि बहुत सुंदर पैरेट ग्रीन शेड में है। इलास्टिक आपको लगा के दी गई है। इसके बॉटम में आपको पॉकेट भी मिल जाती है और क्योंकि वन सिंगल शेड का बॉटम है तो इसमें फायदा रहता है कि वन सिंगल शेड के जो बॉटम्स होते हैं ना ये और कुर्तियों के साथ में भी पेयर हो जाते हैं, इसलिए ऐसे कुर्ता सेट्स पे तो आपको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। साथ में आपको मिलता है दुपट्टा। ओ माई गॉड, इसका दुपट्टा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये आप देखिए, इसका दुपट्टा बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है। फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है, सेट की लंबाई चौड़ाई सब कुछ दुपट्टा की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये आप देखिए, तो ये भी अगर आप चाहें तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं राखी के लिए। और ये सेट भी अंडर 900 पिक किया है मैंने, इसका लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ वो है लाइट ग्रीन शेड की कुर्ती। और ये जो कुर्ती है बहुत अफोर्डेबल है। ये जो कुर्ती है इसमें मैंने लाइट पिंक शेड ऑलरेडी मेरे चैनल पे दिखाया हुआ है, मैं यहाँ पे वीडियो भी लगा दूंगी। दोनों शेड्स में कुर्ती जो है बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। आप कोई भी शेड ले लो, दोनों ही शेड्स वेयर किए हुए बहुत अच्छे लगेंगे। पिंक में भी बहुत अच्छी लग रही थी और जब मैंने ग्रीन में मंगाई तो ग्रीन में भी बहुत सुंदर लग रही है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसका प्राइस बहुत कम है यार, ये सिर्फ अंडर 500 है। शायद ये 410 की है या 480 की, कुछ इस तरीके का इसका प्राइस है। ये कुर्ती भी अगर आप चाहें तो राखी के लिए ले सकते हैं, ठीक है ना। और आपको दिखाती हूँ, अब इसके बारे में बताती हूँ। ये आप देखिए, इसकी नेकलाइन जो है पूरी नेकलाइन में आपको लाइट ग्रीन थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी मिलती है और पूरा फॉल्स मिरर्स की डिटेलिंग है और यहाँ पे सिल्वर समोसा लेस का काम है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा जो नेकलाइन है बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन करके दिया गया है। ये जो है ना कॉटन रेयन मिक्स मटेरियल आपको मिलेगा। अब ये जो आप फैब्रिक में सिल्वर सिल्वर लाइंस देख रहे हैं, शाइन देख रहे हैं ना, ये सेल्फ है फैब्रिक में ही, तो वॉश के बाद में ये सिल्वर लाइंस जाएंगे नहीं, ठीक है ना। फ्लेयर की अगर मैं बात करूं तो फ्लेयर आपको बहुत अच्छा खासा कुर्ती में देखने के लिए मिलता है। कुर्ती का बेस्ट पार्ट जो है ना वो ये है कि दोनों तरफ आपको कुर्ती में इतने बड़े बड़े टैसल्स मिल जाते हैं डोरी के साथ में, तो इसकी वजह से फिट भी बहुत अच्छा आएगा कुर्ती का और लुक भी कुर्ती का बहुत अच्छा आएगा। ये आप देखिए, दोनों तरफ इतने सुंदर टैसल्स है। वर्थ इट है, अंडर 500 रुपीज इतनी अच्छी पार्टी वेयर कुर्ती कहां मिलती है? बिल्कुल भी नहीं मिलती है। लोकल मार्केट में तो आप भूल ही जाइए कि मिलेगी। और ये आप देखिए, पूरा आपको सेल्फ डिजाइन देखने के लिए मिलता है। सिल्वर सिल्वर लाइंस जो है शाइन होने की वजह से कुर्ते में ये क्या है, बिल्कुल पार्टी वेयर कुर्ती बन जाती है। और नीचे की तरफ भी आपको समोसा लेस का काम मिल जाता है। अंदर की तरफ इसमें अगर मैं बात करूं तो अस्तर आपको नहीं मिलता है, बट स्टिल कुर्ती ट्रांसपेरेंट नहीं है। साइकिलिंग शॉर्ट्स वेयर कर सकते हैं एज अ कुर्ती ड्रेस अगर आप इसे पहन रहे हैं तो। और अगर आपकी हाइट लंबी है मेरी तरह तो आपको डेफिनेटली बॉटम जो है इसके नीचे वेयर करना पड़ेगा, ठीक है। फिट एंड फ्लेयर सब कुछ एकदम परफेक्ट है, प्राइस भी काफी अच्छा है। इसे अगर आप चाहें तो राखी के लिए ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सूट जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये ऑफिस कॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छा है, इनफैक्ट एवरीडे वेयर के हिसाब से भी बहुत ही सुटेबल ऑप्शन है। ये स्ट्रेट कुर्ता सेट है और बहुत ही कंफर्टेबल है। इसका भी आपको कॉटन रेयन ब्लेंडेड मटेरियल मिलेगा। प्रिंट इसका बहुत सुंदर है, ये आप देखिए कितना सुंदर इंडियन एथनिक प्रिंट आपको इस पे देखने के लिए मिलता है। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे तो नेकलाइन में आपको बॉर्डर की डिटेलिंग भी मिल जाती है। कलर कॉम्बिनेशन भी अगर आप देखेंगे तो काफी सटल आपको देखने के लिए मिलता है। इनफैक्ट प्राइस भी इसका बहुत अच्छा है। इस सेट को भी मैंने अंडर 1000 आप लोगों के लिए पिक किया है। पूरा का पूरा कलेक्शन, मेरी पूरी कोशिश रही है इस हॉल वीडियो में कि जितना हो सके आपके लिए अफोर्डेबल लेके आऊं, साथों साथ बेस्ट क्वालिटी का और बेस्ट डिजाइन का लेके आऊं। और मुझे लगता है कि आज का हॉल वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को काफी अच्छा लगेगा। बैक साइड से दिखाती हूँ तो बैक साइड से भी आपको सेम इस तरीके का प्रिंट जो है देखने के लिए मिलेगा स्टार्ट टू एंड तक कुर्ते में। और ये सेट मैंने लिया है एल साइज में। इसके साथ में ये रहा इसका बॉटम और दुपट्टा। इसके बॉटम में बहुत अच्छी आपको इलास्टिक मिल जाती है, बट आगे बेल्ट भी मिलेगी। ये आप देखिए, इस तरीके से प्रिंटेड आपको बॉटम मिलेगा। ओवरऑल क्वालिटी काफी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग। और पैंट स्टाइल आपको बॉटम मिलेगा। इसके बॉटम में भी आपको पॉकेट मिल जाएगी, तो डेफिनेटली आपकी कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज जो आप पैंट में कैरी करना चाहते हैं पॉकेट में, वो आप कर सकते हैं। अभी के टाइम पे हम मास्क और सैनिटाइजर तो नहीं रखते, बट डेफिनेटली आपको वॉलेट कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत कैश रख लीजिएगा, अपना मोबाइल रख लीजिएगा। और ये रहा इसका दुपट्टा, ठीक है। दुपट्टे में आपको मिलती है बॉर्डर की डिटेलिंग। दुपट्टे का फैब्रिक भी काफी अच्छा खासा सॉफ्ट है और ओवरऑल कुर्ते का लेंथ भी अच्छा है और बॉटम का फिटिंग भी काफी अच्छा है, ठीक है। तो ये सेट भी अगर आप चाहें तो डेली बेसिस के हिसाब से अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं।
नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो तो भाई ऑलरेडी मैंने पहन भी लिया, मैं घूम भी ली और अपने फोटोज वोटो सब खिंचा लिया अपनी फैमिली के साथ में। ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, जब मैंने इसे वेयर किया तो मेरी मम्मी कह रही थी कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी आपको कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का मिलने वाला है, ग्रे और व्हाइट का कलर कॉम्बिनेशन है। और क्या स्मार्ट पीस है यार, ये इतना प्यारा लग रहा था और पूरा दिन इसे पहन के मैं घूमी हूँ। हम लोग ये गए थे जयपुर गए थे तब मैंने इसे पहना था और हम लोग ने जयगढ़ देखा, नारगढ़ देखा और जल महल देखा, सब बहुत सारी जगहों पे मैं गई थी और पूरा दिन इसे पहन रखा था मैंने। और इसके फैब्रिक की तो क्या दाद दो यार, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप ये वाला पीस लो, ये वाला लो या इस हॉल में से कोई भी ले लो सूट यार, सबके फैब्रिक सेम है, इसलिए आप कोई भी सूट पहन लो, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। पूरा दिन इस सूट को पहनने के बाद में मजे आ गए, 1% मुझे ना प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि धूप भी हो रही थी, बारिश तो उस टाइम नहीं हो रही थी जयपुर में, बारिश तो अभी स्टार्ट हुई है, लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट पीस है, बहुत ही परफेक्ट। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज्यादा सटल है, ऑफिस के हिसाब से अच्छा है। ये पूरा लहरिया डिजाइन आपको देखने के लिए मिल रहा है, साथ में थोड़ा थोड़ा बंदेज का काम भी इसमें है और लेंथ भी कुर्ते की बहुत अच्छी है। इसका बॉटम और दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ, इसका दुपट्टा बहुत सुंदर है। हालांकि जब मैं इसे जयपुर में पहन के घूमी तब मैं बिना दुपट्टे के घूम रही थी क्योंकि मुझे दुपट्टे की जरूरत नहीं लगी, बट इसका दुपट्टा देखो आप कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारा पीस है। और ये सेट भी मैंने अंडर 900 रुपीज लिया है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप ऑफिस के लिए कुछ देख रहे हैं या फिर अगर आप राखी के लिए कुछ सिंपल और कंफर्टेबल देख रहे हैं। बॉटम इसका इस तरीके से है, इलास्टिक है, इसके बॉटम में पॉकेट भी है और वही 1 सिंगल शेड का कॉटन ब्लेंडेड मटेरियल का बॉटम है। बहुत 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 ही गजब का पीस है। लास्ट आउटफिट की तरफ बढ़ते हैं, वो है ये, मतलब ये मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है। इसके भी रिव्यूज अगर आप जाके देखेंगे तो काफी अच्छे रिव्यूज थे, काफी लोगों को ये सेट पसंद आया। ये क्या है, कुर्ता और दुपट्टे का सेट है, इसके साथ में आपको कोई भी बॉटम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये रेयॉन मटेरियल का है, वी आपको इस तरीके से इसकी नेकलाइन मिलती है, कुर्ता आपको रेयॉन मटेरियल का मिलेगा और काफी अच्छा खासा लंबा स्लीव्स मिलता है, प्रिंटेड इस तरीके से आपको डिजाइन मिलेगा। इस कुर्ते पे आपको गोल्ड फॉइल प्रिंट का काम भी देखने के लिए मिलेगा। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस तो इसका काफी रीजनेबल है, इसे मैंने अंडर 750 रुपीज बाय किया है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग तो देखो तो फैब्रिक क्वालिटी अच्छी है, प्रिंट बहुत अच्छा है। चाहे तो आप इसके नीचे व्हाइट कलर का प्लाजो या पिंक कलर का प्लाजो जो है पेयर कर सकते हैं। फ्लेयर बहुत अच्छा है, फ्लेयर की अगर मैं बात करूं तो कलीदार आपको डिजाइन मिलता है और घेर तो मतलब कमाल का ही है इसमें। आई विश कि इसके साथ में अगर बॉटम भी देते थे तो अच्छा होता, बट एनीवेज कोई बात नहीं, बॉटम तो हम अपना भी पेयर कर लेंगे, बट इसका रेयॉन मटेरियल का क्वालिटी जो है काफी अच्छा है। साथ में आपको इसके दुपट्टा मिल जाता है, दुपट्टा आपको जो मिलता है ये है ऑर्गेन्जा सिल्क मटेरियल का और इसके दुपट्टे में आपको गोल्ड फॉइल प्रिंट का काम मिलता है और सारा प्रिंटेड बॉर्डर ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो प्राइस काफी अफोर्डेबल है, तो जो प्राइस आप पे कर रहे हैं उस हिसाब से आपको सूट की क्वालिटी जो दी जा रही है वो काफी अच्छी है, तो ये भी अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। सो दैट्स इट, यही है मेरा आज का इंटरेस्टिंग हॉल वीडियो एंड आई रियली होप आपको आज का हॉल वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बी काइंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको आज का हॉल वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आपको आज के हॉल में से कौन सा आउटफिट अच्छा लगा है और अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है तो आपने कौन से आउटफिट का किया है, क्योंकि उससे मुझे अंदाजा लगता है कि आपको किस तरीके के आउटफिट्स पसंद आते हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की पसंद के जो आउटफिट्स हैं उन्हें ही मेरे चैनल पे लेके आऊंगी। डिजाइन का आइडिया लगेगा, थोड़ा पैटर्न का आइडिया लगेगा, तभी तो आपका पसंदीदा कलेक्शन आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं नए हॉल वीडियो में नए कलेक्शन के साथ में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।